और मेरी उत्तराखंड में मोस्ट प्रॉब्ली रैंक बन जाएगी, आई विल बी इन टॉप थ्री. वो जब सीट अलॉटमेंट होता है तब पता चलता है. जब आपके माँ बाप आपकी वजह से खुश होंगे, मतलब उससे ज्यादा लाइफ में प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप आपकी वजह से खुश हैं. दे आर प्राउड, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आपके लिए हैं. तो आप प्लीज वो अचीव कर लीजिए. एक दो साल, दो तीन साल की मेहनत और फिर पूरे जीवन सिर्फ खुशी खुशी. मतलब इस वक्त मैं एकदम सातवें आसमान पे हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. और नमस्कार, मैं फौजिया फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया. राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी 2021 ने नीट का परिणाम जारी कर दिया है, जिसमें उत्तराखंड के रुड़की से आसमा खान ने उत्तराखंड का नाम रोशन करते हुए 655 अंक हासिल करते हुए ऑल ओवर उत्तराखंड में टॉप थ्री में शामिल हो गई है. काउंसलिंग प्रक्रिया में इनके बीच टाई ब्रेक फॉर्मूले को इस्तेमाल किया जाएगा. आसमा अपनी सफलता से बेहद उत्साहित है. समाचार इंडिया से बातचीत में उन्होंने सफलता का राज साझा किया है, आइए देखते हैं. मतलब इस वक्त मैं एकदम सातवें आसमान पे हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. और मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब जो सारी मेहनत, जो सारे सैक्रिफाइसेस किए, वो सब बहुत ज़्यादा वर्थ इट था. अब जिस तरीके से खुशी का माहौल है घर में, जिस तरीके से इनाम मिल रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी कि मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है बिल्कुल भी. ये नीट की परीक्षा की जो आपने, इसमें काफ़ी मेहनत और समस्या का सामना करना पड़ा होगा आपको, उसके बारे में बताइए. मैं ये कहना चाहूँगी कि समस्याएं जैसे कि थी, वो तो यही थी कि जैसे कोविड चल रहा था, सेकेंड पीरियड कोविड का, तो मतलब इतने लोगों का डिमाइस हो रहा था, इतने लोगों का इंतकाल हो रहा था, रिश्तेदारों का, जिन्हें हम चाहते हैं उनका. मतलब कुछ कुछ लोगों के इंतकाल में तो ये मान लीजिए कि एक दो दिन तक मैं बिल्कुल ऐसे सदमे में थी कि ये तो इतने हेल्दी हैं, इन्हें कुछ कैसे हो सकता है, और इतना मोहब्बत करते हैं, इन्हें कैसे कुछ हो सकता है. तो वो सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी आई पढ़ाई में, जिसने डिस्टर्ब किया. बाकी जो सैक्रिफाइसेस, जो त्याग थे, वो थे कि भाई रिश्तेदारों की कंप्लेंट्स थी बहुत कि भाई शादी में नहीं आती, किसी पार्टी में नहीं आती है. और क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉलेज में थी, मेरा पिछले साल ही काफ़ी अच्छे से सिलेक्शन हो गया था, बहुत अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हूँ मैं इंडिया के ऑलरेडी, तो और कंप्लेंट थी कि जब ऑलरेडी हैं आप सिलेक्टेड तो भी आप नहीं आ रही हैं. तो फिर यही सब त्यागना पड़ा था कि रिश्तेदारों की डांट खानी पड़ती थी, उनके पार्टीज मिस करने पड़ते थे, और अपना खेल कूद जो मुझे बहुत पसंद है वो सब. रिश्तेदारों में किस तरीके का माहौल है आप इस वक्त? मतलब वही है कि सारी नाराजगी बिल्कुल कन्वर्ट हो गई है उनकी खुशी में. सबके स्टेटस पे बस असमा छाई हुई है. अब तो मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि अभी कभी असमा ने कुछ गलत भी किया, जैसे वो नहीं भी आई, ये तो बिल्कुल बात खत्म हो गई है नाराजगी की. अब इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, बस ये कि हाँ ये असमा का इनाम पहुँच जाए असमा तक, असमा का ये स्टेटस असमा को, मतलब बस हर जगह असमा 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 कर रखा है. इतने ज़्यादा खुश हैं सब, जैसे उन्हीं का सिलेक्शन हुआ. तो बहुत खुश उत्तराखंड में आप टॉपर रहे हैं, और युवा जो तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने की सोच रहे हैं, उनके बारे में आप क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी सभी को कि मतलब जैसे मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो मुझ पर यकीन करो. ये जो खुशी होती है ना, मतलब मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने खुद उस फेज से गुजरी हूँ. ये जो दो तीन साल की जो मेहनत है ना, मतलब जो परेशानियाँ इतनी आती हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने को होता है कि इंसान के अंदर से फ्रस्ट्रेशन निकलता है कि बस अब बहुत हो गया. तो मतलब वो सब वर्थ इट है, मतलब वो सब, बल्कि आप जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, जब आपके माँ बाप आपकी वजह से खुश होंगे, मतलब उससे ज़्यादा लाइफ में प्राउड मोमेंट कुछ नहीं हो सकता कि आपके माँ बाप आपकी वजह से खुश हैं. दे आर प्राउड, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आपके लिए हैं. तो आप प्लीज़ वो अचीव कर लीजिए. एक दो साल, दो तीन साल की मेहनत और फिर पूरे जीवन सिर्फ खुशी खुशी. कितनी रैंक आई है आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है 3154, और मेरी कैटेगरी रैंक आई है 1557, और मेरी उत्तराखंड में मोस्ट प्रॉब्ली रैंक बन जाएगी, आई विल बी इन टॉप थ्री. वो जब सीट अलॉटमेंट होता है तब पता चलता है. लास्ट ईयर मेरा स्कोर 636 था और मेरी रैंक सेकंड उत्तराखंड में बैठ रही थी. तो इस बार आई एम स्कोरिंग 655, तो उत्तराखंड में तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहने वाला है.